मैं हुसैन सुल्तान, ट्रेंड वुमन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर नए साल में से भी शुरू हुई है, उसको देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में कई शहरों में यहां पे दोबारा से लॉकडाउन किया गया है। अगर हम थाना महानगर पालिका की बात करें तो थाना महानगर पालिका में भी 16 ऐसे हॉटस्पॉट है जो जिसे हम रेड जोन भी कह सकते हैं, वहाँ पर भी लॉकडाउन किया जाने वाला है। थाना महानगर पालिका के म्यूनसिपल आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा ने 8 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने उसमें बताया कि जो थाने के अलग अलग प्रभागों में जिसमें 16 हॉटस्पॉट है, वहाँ पे 13 मार्च से 31 मार्च तक यहाँ पे लॉकडाउन रहेगा। जैसे आपको पता है कि जिस तरीके से लॉकडाउन पहले फेज़ में जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी उस वक्त था, उसी तरीके का लॉकडाउन भी यहाँ पर शुरू होने वाला है जो 13 मार्च से 31 मार्च तक रहेगा। इसी ताल्लुक से हम प्रोफेसर हसन मुल्लानी से बात करते हैं, जो हमेशा थाने महानगर पालिका से की एजुकेशन की हमेशा मालूमात इंफॉर्मेशन अपने ज़रिए लोगों को देते रहते, उन्हीं से जानते हैं कि ये जो लॉकडाउन होने वाला है 13 मार्च से, वो कब होगा, कैसे होगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, जिस तरीके से पहले लॉकडाउन किया गया था क्या उसी तरीके से रहेगा, कौन कौन सी चीज़ें खुली रहेगी, कौन सी बंद रहेगी, इस बारे में उनसे पूरी जानकारी वाली मालूमात लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। 8 मार्च 2021 को डॉक्टर विपिन शर्मा, जो थाने महानगर पालिका के आयुक्त है, इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली और उस नोटिफिकेशन में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो राइट्स दिए हुए हैं उसके बुनियाद पर उन्होंने बताया है कि 16 जगहों पर थाने महानगर पालिका के जो भी क्षेत्र आते हैं इसमें 16 हॉटस्पॉट्स मिले हैं। इन 16 हॉटस्पॉट्स पर इन्होंने 13 मार्च 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है, जिसमें अंदाजन कलवा के 3 हैं, उत्तलसर, माजीवाड़ा, मानपाड़ा, लोकमान्य नगर, सावरकर नगर, ऐसे 4-5 प्रभाग समितियों में ये 16 इलाके आते हैं, जिसमें 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कंटेनमेंट जोन, जिसे हम लोग पहले कहते थे, या रेड जोन जिसे कहते थे, पेशेंट ज़्यादा मिलने की वजह से डॉक्टर विपिन शर्मा ने ये फैसला लिया है। अच्छा, क्या टोटल फुल लॉकडाउन है या कुछ जगह पे कुछ चालू है? नोटिफिकेशन में कंप्लीट लॉकडाउन दिया गया है। इसके बाद हो सकता है कि प्रभाग समिति लेवल पर डॉक्टर विपिन शर्मा और हेल्थ ऑफिसर या फिर हाई लेवल के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स हैं, ये लोग एक मीटिंग करेंगे और उस वार्ड लेवल पर, जो प्रभाग समिति लेवल है, उस लेवल पर अपनी नियमावली लाएंगे कि जो छोटे छोटे गाइडलाइंस है कि उसको सिर्फ नाइट लॉकडाउन करना है या फिर ऑड इवेंट जो चलता था कि एक दिन इस तरफ के दुकानें खुलेंगे या फिर बाजारों को कोई टाइम दे दिया जाएगा, जो भी नियम वगैरह आएंगे वो शायद आने वाले 1 से 2 दिन में पता चल जाएंगे और वो उस प्रभाग लेवल के लिए ही होंगे। कलवा, मुमरा, दीवा प्रभाग में भी क्या लॉकडाउन किया जाएगा? खुशी की बात यह है कि दीवा और मुमरा प्रभाग समिति में नहीं है। दीवा और मुमरा प्रभाग समिति शुरुआत से ही ग्रीन जोन में रहे हैं, यहाँ पर पेशेंट्स ज़्यादा नहीं मिले हैं और यहाँ पर कोविड केयर सेंटर एक बहुत बड़ा कौसा स्टेडियम में जो बनाया गया है, इसमें जो पेशेंट्स हैं ज़्यादातर ये थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दूसरे इलाके के हैं। और अच्छी बात यह है कि दीवा और मुमरा प्रभाग समिति सेफ है। कलवा प्रभाग समिति में जहाँ तक मेरी मालूमात है तकरीबन 3 ऐसे हॉटस्पॉट एरिया है जहाँ पर लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो भी आने वाले दिनों में यहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगे उसके लिए क्या संदेश होगा खासकर के मुमरा वासी के लिए? बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो शुरुआत से ही गवर्नमेंट कह रही है कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले, कुछ ज़रूरत का काम है वही रखे, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनका आप खासा एहतियातन रखें। जिस अंदाज से हम 5 वक्त वजू करते हैं बस उसी तरह से हमें अपने हाथ और मुंह को धोना है जब जब भी बाहर जाए। मुंह पर नकाब लगाना तो ये एक हमारी बहनों का रिवाज ही रहा है, हमेशा पर्दा करते हैं, इस बार मर्दों को भी थोड़ा सा नकाब लगाना या फिर बोल सकते हैं मास्क लगाना है। बस अगर हम उसको थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, क्योंकि मुमरा एक मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, तो आप देखोगे कि जो नॉर्मल चीज़ें हमारे मजहब में दी जाती है, पाकी वगैरह रखना है, वो तमाम चीज़ों के ही कानून में आए हुए। इसके साथ जितने भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं वो तो मतलब बोलने में कोई झिझक नहीं है, वो कानून का अच्छे से पालन कर रहे हैं, भले वो हमारे दीवा के रहे या मुमरा के रहे या कलवा के रहे। अब कोविड होना या नहीं होना ये तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन इससे बचा जा सकता है। तो मैं आवाम से यही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ बराए मेहरबानी आप फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और काम ही के लिए बाहर निकले, कोशिश करें कि बच्चों को और बूढ़ों को घरों में महफूज रखें और सुरक्षित रहें।